इनके लब रंगी की निछावर थी के जिसने। अच्छा एक सवाल ये है कि मेंस्ट्रुअल कप लगाना जायज़ है या नाजायज़ है, यानी ये कि ख़वातीन के मखसूस अयाम का कोई ऐसा कप निकला है कि जिसके अंदर हैज़ के दौरान वो कप लगा लिया जाता है तो उसके बाद जो है ना पैड वगैरह का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, जो ब्लडिंग होती है वो उसी में जमा होती रहती है, फिर 6 घंटे या 7 घंटे बाद जैसा यानी उसके हैज़ का फ्लू होगा उसके हिसाब से जितनी ब्लडिंग होगी अंदाजे के हिसाब से कि कितनी देर में वो कप फुल हो जाएगा, उसको निकाल के साफ़ करने के बाद उसको दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, और फिर इसी तरीके से जो है वो दौरान हैज़ उसको इस्तेमाल किया जाता है, तो इससे कपड़े वगैरह ख़राब भी नहीं होते और मामला ठीक रहता है। शरई एतबार से इसका लगाने में तो कोई ख़राबी नज़र नहीं आ रही कि रबड़ वगैरह का ये हल्की रबड़ का बना होता है लगा सकते हैं, और इससे ऊपर वाले कपड़े जो है जिस पे खून या दाग का निशान नहीं होगा और वो भी ख़राब नहीं होंगे, इससे ये भी मामला है। अब ये कि इसको लगाने से किसी किस्म के किसी को ज़ाती तौर से अगर एलर्जी वगैरह हो या लगाना ना आए तो ठीक है, पर जो लोग यूज़ करते हैं उनके लिए इस्तेमाल करना जायज़ है, इसमें कोई ख़राबी वाली बात इस तरह से नज़र नहीं आ रही नाजायज़ होने, क्योंकि ये जो है ना अंदर की तरफ इंसर्ट किया जाता है और उस दौरान तो वैसे ऑलरेडी यानी गुसल तो और नापाक ही होती है औरत, उसमें कोई गुसल फर्ज होने वाला भी कोई मसला नहीं है।